इंद्रधनुष अभियान को सफल बनाना है। झारखंड के 6 जिलों में 100% टीकाकरण को संपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचाना है। चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, कुकुर खांसी, टेटनस, निमोनिया और मेनिनजाइटिस को जड़ से मिटाना है। हम सभी से अपील करेंगे, माताएं बहनें से, कि अपने बच्चों का टीकाकरण जरूर करा लें, ताकि हमारे बच्चे, आने वाला जनरेशन पुष्ट रहे, शरीर से बलवान रहे। आपके बच्चे कभी न हो बीमारियों के शिकार, क्योंकि इंद्रधनुष अभियान पहुंचेगा आपके द्वार। समझदारी दिखाएं, संपूर्ण टीकाकरण करवाएं। राहुल के बच्चे फिर पेंसिल तोड़ी तो टांग तोड़ दूंगा। हाँ, और ये तुम्हारे दोस्तों के लिए चौफीचो में है कॉफी और क्रीम की दोस्ती। राहुल ने मुझे नहीं पेंसिल दी। प्रिया गोल्ड टॉफीचो, इससे पानी हो 100% सेफ और हेल्दी भी। केंट में है बेस्ट प्योरिफिकेशन आर ओ यू वी और टी डी एस कंट्रोलर से। केंट दे सबसे शुद्ध पानी मिनरल्स के साथ। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए MDH मसाले। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या जल्दी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH MDH। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। यही है असली इंडिया। सांबर मसाला हो या चंदी का मसाला, कसूरी मेथी या देगी नीरज, असली मसाले सच सच MDH MDH। केंट आरओ है डॉक्टर्स का रेकमेंडेड नंबर 1 वाटर प्यूरिफायर, और केंट आरओ को मिले हैं दुनिया के सर्वोच्च प्रमाण पत्र। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। हम सिर्फ पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं। ख्वाब होंगे आपके। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, वंदे मातरम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रेया पाठक। आज हम वंदे मातरम में एक बार फिर से चर्चा कर रहे हैं 2 मिनट में फटाफट तैयार हो जाने वाली मैगी की। मैगी ने मिडिल क्लास मॉम की लाइफस्टाइल को तो बदला ही है, साथ ही में खाना खाने के अंदाज को भी बदल डाला, लेकिन स्वास्थ्य की कीमत पर स्वाद और सुविधा को तरजीह नहीं दी जा सकती। और शायद यही वजह है कि 32 सालों से भारत के लगभग हर घर में राज करने वाली मैगी आज एक दिन में ही घरों से नहीं दिल से भी बाहर हो गई। भारत सरकार की मैगी पर देशव्यापी बैन लगाने के पहले ही नेस्ले ने मैगी को भारत के बाजार से समेटने का फैसला कर लिया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं और हम से बातचीत करेंगे कि आखिरकार इसका मायने क्या है। मैगी के बाद बाजार में उपलब्ध दूसरे फास्ट फूड प्रोडक्ट स्वास्थ्य के मानक पर खड़े हैं, क्या सरकार को उनके सैंपल को भी जांच के लिए लैब भेजना चाहिए। सबसे अहम यह है कि क्या मैगी फिर से वापस आएगी या सही में सदा के लिए भारत छोड़ देगी। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे, नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप छिंद्रा जी, कॉरपोरेट लॉयर हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं डॉक्टर वी के मोगा जो कि एमसीडी हेल्थ कमेटी के चेयरमैन हैं, और चारू खन्ना डाइटिशियन हमारे साथ हैं, और डॉक्टर के अग्रवाल, और साथ ही विपिन जोशी स्वदेशी आंदोलन से हैं हमारे साथ देहरादून स्टूडियो से। सभी से आज हम चर्चा करेंगे अपने खास कार्यक्रम वंदे मातरम में। भारत में मैगी की बिक्री पर रोक, भारत के बाद विदेशों में भी मैगी सैंपल की हो रही है जांच, सिंगापुर में भी मैगी की बिक्री पर रोक, ब्रिटेन में सैंपल की जांच, टूटा 30 साल पुराने स्वास्थ्य रिश्ता। तो आपने देखा कि आज हम हर एक मायना वो समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मैगी पर बैन तो लगा है, तो कहीं मैगी के दोबारा वापसी तो नहीं हो जाएगी। और इसी लिहाज से हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे चैनल के रेसिडेंट एडिटर मुकेश शर्मा कुमार जी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम वंदे मातरम की शुरुआत करते हैं।
तो नेस्ले ने बाजार से मैगी का सारा माल वापस लेने का बड़ा फैसला किया है। हालांकि नेस्ले ने अपनी सफाई में कहा कि मैगी स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं देश के 9 राज्यों में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत में मैगी पर देशव्यापी प्रतिबंध लगने से पहले ही नेस्ले ने मैगी को भारत के बाजारों से समेटने का फैसला कर लिया है। आज नेस्ले की तरफ से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंपनी के ग्लोबल सीईओ ने दावा किया है कि मैगी स्वास्थ्य के लिहाज से पूरी तरह से सुरक्षित है और उसमें एमएसजी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। भारत में मैगी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होने के बाद विदेशों में भी इसके सैंपल की जांच की जा रही है। सिंगापुर ने भारत से आयातित मैगी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है तो ब्रिटेन ने मैगी के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने भी मैगी के सैंपल की जाँच रिपोर्ट आने के बाद बैन के फैसले करने की बात कही है। नहीं, कुछ नहीं, हमने कहा हमारे जिम्मे हमारा काम है कंज्यूमर के इंटरेस्ट की रक्षा करना, उपभोक्ता के इंटरेस्ट की रक्षा करना और उसकी गंभीरता को देखते हुए हमने एनसीडीआरसी के पास में मामला को नेशनल कमीशन के पास में भेज दिया है। वो सारा बॉल अब नेशनल कमीशन के पास में है और इधर एफएसएसएआई जांच कर रही है। ठीक है, तो वो राज्य का अधिकार है, बैन करने का उनका अधिकार है और यदि गलत पाया जाता है तो करना भी चाहिए। स्वास्थ्य मानकों पर फेल होने के बाद मैगी के भारत में 32 साल पुराना रिश्ता टूट की कगार पर पहुंच चुका है। कंपनी ने मैगी को बाजार से समेट तो लिया है लेकिन क्या ये दोबारा वापसी करेगी इस पर कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। और जहां एक तरफ भारत में मैगी पर बवाल बढ़ता जा रहा है वहीं नेस्ले के वाइस प्रेसिडेंट संजय कुकरेजा का इस पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हम रेगुलेटर के साथ एंगेज कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो टेस्ट किए हैं वो कैसे किए हैं, क्या मेथोडोलॉजी है। जो हमने 1035 टेस्ट किए हैं उसमें लेग नहीं निकला। हम उनसे बात करके देख रहे हैं कि उन्होंने कौन से टेस्ट किए और हमने कौन से टेस्ट किए हैं ताकि ये क्लैरिफिकेशन मिल सके और इश्यू रिजॉल्व हो सके। तो अब नेस्ले की तरफ से सफाई आ गई है। नेस्ले के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा है कि नूडल्स बनाने के लिए जो भी नियम होते हैं उन्होंने सब कुछ उसको फॉलो किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो टेस्ट होते हैं वो भी उन्होंने कराए हैं और उनकी मैगी में एमएसजी नहीं है। मुकेश जी, आपसे मैं समझने की कोशिश करूंगी, अब जो ये दो तस्वीरें देखने को मिली है, एक तरफ सफाई है वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में जो सैंपल्स लिए गए उसमें जो एमएसजी पाया गया, लेड जो पाया गया, अब काफी कंफ्यूजिंग स्टेट लोगों के सामने है। लोग ये सोच रहे हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें क्योंकि 32 सालों से मैगी बिकती आ रही है भारत में। अब अगर ऐसा कहा जाए तो कहीं ना कहीं उनको भी ये लग रहा है कि 20 सालों से हमारे सेहत के साथ में खिलवाड़ हो रहा था। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल केवल 30 सालों से हमारा मैगी से रिश्ता नहीं है, नेस्ले से हमारा 100 साल से भी पुराना रिश्ता है। 1912 से नेस्ले इंडिया में व्यापार कर रही है और काफी विश्वास जीत चुकी है भारतीयों का। इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से यह कंट्रोवर्सी सामने आई है और अब लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक परत दर परत कहे जो खुल रही है, जिस तरीके से शुरुआती दौर में जो खबर आ रही थी कि बैन लगाए जा रहे हैं, हर एक स्टेट की तरफ से बैन लगाए जा रहे थे, लेकिन दो जो खबर आज जो आई है श्रेया, पहली खबर जो गोवा से आई थी कि गोवा के सैंपल में किसी भी तरीके की कुछ आपत्तिजनक चीज नहीं पाया गया इसलिए गोवा में क्लीन चिट दिया गया मैगी को। उसके बाद अभी वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने भी इसी तरह की बात करी और झारखंड में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। बिहार ने बैन किया लेकिन झारखंड में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो निश्चित तौर पे कंफ्यूजन है, एक क्रिएट किया गया है और इस कंफ्यूजन से बाहर निकलने का रास्ता जो विशेषज्ञ है, जो लेबोरेटरी की रिपोर्ट है, उसी रिपोर्ट के जरिए हम बाहर आ सकते हैं क्योंकि कंफ्यूजन तो फैल गया। कंफ्यूजन कैसे दूर होगा ये जो है मेरे ख्याल से जो लेबोरेटरी की जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। जी यकीनन, डॉक्टर वीके मोंगा साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोंगा जी, अगर देखा जाए तो यहां अब हमारे दर्शकों को समझाने की जरूरत है कि मैगी उनके लिए कितनी ज्यादा नुकसानदायक है। बेसिकली इसमें दो इश्यूज हैं जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी है जी, एक एमएसजी की और एक लेड के ऊपर।
एमएसजी उन्होंने लिखा हुआ है कि इट कंटेन्स नो एमएसजी, लेकिन उसके बावजूद कई जगह पर एमएसजी पाया गया। एमएसजी के बारे में अभी बिल्कुल सर्टेनिटी कहीं पर भी नहीं है, परंतु एमएसजी माना जाता है कि अगर ये बच्चे ऑन रेगुलर बेसिस लेते हैं तो सबसे पहले तो एडिक्शन ज्यादा करता है, बच्चों के अंदर क्रेविंग होती है बार बार खाने की जी जी। और लॉन्ग टर्म पे जो साइंटिफिकली कहा जाता है कि इससे छोटे बच्चों में ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है या पेल्पिटेशन हो सकती हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है अगर लंबे समय तक लिया जाए जी। दूसरा हम आते हैं लेड के ऊपर। लेड की मात्रा कई सैंपल्स के अंदर ज्यादा पाई गई है जो भारत में टेस्ट हुए हैं। और लेड जो है, लेड एक हैवी मेटल है। हैवी मेटल का मतलब यह कि बॉडी से एक्सक्रीट होने की संभावना कम रहती है, जो आप ले जाते हो अंदर रुकता है, कहीं ना कहीं जाके जाम समझ लो हो जाता है जी। ये लिवर में होता है तो लिवर की जो छोटे बच्चों के अंदर दिक्कतें हैं और बाद में जो लिवर फेलियर या सिरोसिस की दिक्कत हो सकती है जी। किडनीज में है तो लेटर ऑन जो बहुत ज्यादा समय तक ले बच्चा या व्यक्ति तो किडनी फेलियर या रीनल फेलियर की चांसेस रहते हैं। साहब आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ के अग्रवाल भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि 32 सालों से लोग मैगी खा रहे हैं, किस तरह से उनकी स्वास्थ्य पे वो सेहत पर असर डालती है। के अग्रवाल साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि आप बताएं कि आखिरकार एमएसजी और लेड किस तरह से बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए हानिकारक है। देखिए, जहाँ तक एमएसजी का सवाल है, एमएसजी फ्लशिंग करता है और एलर्जी करता है। जो लोग एमएसजी को सेंसिटिव होते हैं उनको काफी हद तक एलर्जी हो सकती है, और एक एमएसजी सिंड्रोम होता है जिसमें फ्लशिंग होती है जी। जहाँ तक लेड का सवाल है, इसमें एक्यूट लेड पॉइजनिंग भी होती है, क्रॉनिक लेड पॉइजनिंग भी होती है जी। जो जिस तरीके से अगर क्रॉनिक यूज, अगर हर, अगर आप सालों साल मैगी खाओ और हर एक के अंदर में लेड लेवल ज्यादा हो तो क्रॉनिक लेड बॉडी के अंदर में एक्सपोजर बढ़ जाता है, जिससे ब्लड में खराबी आ सकती है, खून की कमी आ सकती है, किडनी डैमेज हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है इसके अंदर में, और बच्चों की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। प्रेग्नेंट मदर खाएगी तो बच्चे की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वक्त में ये कहना मुश्किल है कि लेड, या तो जो लोग मैगी खाते हैं उनका मैगी के साथ साथ लोगों का ब्लड टेस्ट भी कराएं कि उनके ब्लड टेस्ट बढ़े कि नहीं बढ़े लेड के साथ में, तब पता लगेगा। कि ये भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर बैच के अंदर में लेड लेवल ज्यादा हो, ओवरऑल मैगी के अंदर में ब्लड लेवल जो है वो ज्यादा ना हो। अग्रवाल साहब, मेरा ये सवाल है आपसे कि अगर हम ये देखें, आपने इतने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके पास कई मरीज आए होंगे जिसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी, लंग की प्रॉब्लम होगी, लीवर की प्रॉब्लम होगी, तो क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि अगर एक पेशेंट के अंदर लीवर की प्रॉब्लम है, लंग की प्रॉब्लम है, तो आपने क्या कभी ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये उसको क्यों हो रहा है? कभी ऐसा पाया गया कि मैगी खाने की वजह से ऐसा हो रहा है? ऐसा मुझे नहीं लगता कि मैगी खाने से आप कह सकते हो। तो आज ये बात कैसे आ गई कि हमारे लंग पर भी इफेक्ट डाल रहा है? वो एक वायलेशन है। एक मिनट, लेड में, उसके मैगी में लेड की मात्रा ज्यादा है, वो एक ऑफेंस है, वो एक वायलेशन है जी। जहां तक सवाल है लेड लेवल सोसाइटी के अंदर में, हाँ, एक आदमी बच्चों के अंदर में लेड की मात्रा खाने पीने से भी आ सकती है, गंदे पानी से भी आ सकती है, पेंट से भी आ सकती है, खराब नलकों से भी आ सकती है, एयर से भी आ सकती है, डीजल से भी आ सकती है। तो एक आदमी के अंदर में सबसे पहले जब लोग मैगी की टेस्ट कर रहे हैं तो आदमियों का टेस्ट भी कर रहे हैं ये देखने के लिए क्या आदमियों में भी ब्लड लेवल्स लेड के ज्यादा हैं। अगर ऐसी स्टडी हम आईएमए सोच रहा है करने के लिए कि हम 100 लोगों को अलग अलग जगह से नापें उनकी लेड की मात्रा कितनी है, और अगर लेड की मात्रा ब्लड में बढ़ रही है तो आदमी के लिए डेंजरस है जी। और जहां तक सवाल है मैगी के अंदर में लेड का होना, वो एक वायलेशन है, उसका अपना एक ऑफेंस है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जी। चारू खन्ना भी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डाइटिशियन है। चारू जी, अगर नेस्ले की सफाई पर ध्यान दिया जाए, उन्होंने ये कहा है कि जो उनका मसाला है उसमें जो वो अपनी तरफ से जो मसाले डालते हैं, या फिर ये जो कहा जाए कि जो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, उनमें भी कुछ नेचुरल रूप से एमएसजी उसके अंदर मौजूद होता है, इस दलील में कितना दम दिखता है आपको? नहीं, हो सकता है बिल्कुल एमएसजी अवेलेबल हो, बिकॉज एमएसजी टोमेटो में या आपके मशरूम्स में भी होता है जी। अगर हम नेचुरल फूड सब्सटेंसेस देखें तो एमएसजी अवेलेबल रहता है बहुत सारी वेजिटेबल्स में जी। तो क्वाइट पॉसिबल कि अगर ये टोमेटो पाउडर यूज कर रहे हैं या कोई ऐसा फूड इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं तो एमएसजी उसमें नेचुरली प्रेजेंट हो जी। तो ये कहना कि एमएसजी बिल्कुल मैगी में नहीं है, ये गलत होगा। पर जहां तक लेड की आप बात कर रहे थे, दैट वाज अ वैलिड पॉइंट कि हमारे में, हमारी बॉडी में लेड सिर्फ फूड के थ्रू या सिर्फ मैगी के थ्रू नहीं जाता, जैसे मिस्टर अग्रवाल ने कहा
इट इज ऑल्सो थ्रू जो हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स होते हैं उसके थ्रू भी बहुत बारी लेड हमारी बॉडी में जाता है। डेली लेवल पे जितना भी हम एयर इनहेल कर रहे हैं, जो भी गैसेस हमारे फ्यूल की तरह जाती हैं कार्स में और व्हीकल्स में, उसमें जितना भी लेड रहता है वो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं कहीं ना कहीं पर। चारू जी, तो ये कहना चारू जी, आप डाइटिशियन हैं, चारू जी आप डाइटिशियन हैं, आपके पास लोग आते होंगे, क्या आप कभी किसी पेशेंट को या किसी को ये सजेस्ट करती हैं कि आप मैगी खाएं? नहीं सर, बिल्कुल भी मैगी के लिए तो नहीं प्रमोट करते, बिकॉज उसमें ना सिर्फ अभी तो लेड की बात आई बट एमएसजी डेफिनेटली रहा है पहले, एंड मैदा भी बहुत होता है जिसकी वजह से हम मैगी प्रमोट नहीं कर सकते। अगर हम मैगी प्रमोट करते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज खाती हैं, अगर ज्यादा कंज्यूम करती हैं एमएसजी, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है, बच्चे कंज्यूम करेंगे तो उसकी वजह से उनको अटेंशन स्पैन में प्रॉब्लम आ बिल्कुल अभी है। अभी जिस तरीके से आपने कहा कि मटर और जो टमाटर है उसमें एनएसजी के कंटेंट्स उसमें होते हैं, उसके कारण से भी एनएसजी का लेवल जो है वो बढ़ सकता है, तो क्या यदि मैगी बिना टमाटर या इसके खाए, जिस तरह से दो जो प्रमोट करती है कंपनी की, दो मिनट में मैगी तैयार हो जाता है, तो केवल उबाल के अगर खाएं तो उसमें ये सब सारी चीजें लेड को छोड़ दें यदि, तो एमएसजी के से हम निकल बच सकते हैं? अगर आप सिर्फ मैगी को उबाल के खाएंगे तो आप डेफिनेटली सिर्फ मैदा कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ हद तक उसमें सोडियम सॉल्ट रहेंगे जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है, बिकॉज कोई भी पैक्ड फूड आप लेते हैं उसमें शुगर और सॉल्ट के बिना, अगर आप शुगर सॉल्ट नहीं डालें तो उसके बिना आप उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते, तो शुगर का और सोडियम का होना बहुत जरूरी है प्रिजर्व फूड्स में। बिल्कुल चारू जी, आपसे हम बात करेंगे, हमारे साथ कॉर्पोरेट लॉयर प्रदीप छिंद्रा जी हैं, प्रदीप छिंद्रा जी से ही बात करेंगे। प्रदीप जी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है और जिस तरीके से बैन किया जा रहा है, दो चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके का की सजा इसमें दी जा सकती है अगर सही में, हालांकि देशव्यापी बैन लगने से पहले ही नेस्ले ने जो है अपने प्रोडक्ट को वापस लेना शुरू कर दिया है, लेकिन मान लीजिए राज्य जिस तरीके से बैन कर रही है तो सबसे बड़ी सजा तो कंपनी के लिए ये होती है कि लोग उसको खरीदना छोड़ दें, प्रमोट करना छोड़ दें, तो ये जो उनको मॉनेटरी लॉस हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन क्या इसमें कोई कानून में सजा का भी प्रावधान है कि यदि आप उसमें जो तय मात्रा है, तय मात्रा से अधिक आप उसमें लेड उसमें पाया जाता है या एनएसजी पाई जाती है तो क्या इसमें सजा का प्रावधान क्या है? जी बिल्कुल, जो एक्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, उसके अंदर यहाँ पे दो मुद्दे समझने हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। एक ये कि जो फूड प्रोडक्ट है वो सब स्टैंडर्ड घोषित कर दिया गया है या उसको सब स्टैंडर्ड माना गया है, वो इसलिए माना गया है क्योंकि उसमें लेड की मात्रा जो है वो ज्यादा पाई गई है। और दूसरा पॉइंट ये है जो एमएसजी का पॉइंट है, जो बेसिकली पॉइंट है लेबलिंग का, कि आप लेबलिंग में मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं या डिसेप्शन कर रहे हैं। तो जहां तक पहले पॉइंट की बात है, जो कि प्रोडक्ट को अनसेफ घोषित कर दिया गया है या लेड की मात्रा ज्यादा पाई गई है, उसमें रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स की या कंपनी के रेलेवेंट ऑफिसर्स को इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है और इसमें 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का फाइन भी हो सकता है। तो पहला जो मुद्दा है, जो कि अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन का मुद्दा है, जो आपकी बॉडी को क्षति पहुंचा सकता है, वो ज्यादा सीरियस मुद्दा है। और जो दूसरा मुद्दा है, जो लेबलिंग का मुद्दा है, जिसमें ये बताया, जो पूरी कॉन्ट्रोवर्सी ये है कि नो एडेड एमएसजी, ये मुद्दा केवल केवल लेबलिंग और पैकेजिंग के हिसाब से धोखाधड़ी का भी मामला बनता है। जी टू एन एक्सटेंट क्रिमिनल लॉ में इसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, लेकिन अगर हम फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स एक्ट की बात करें तो दोनों ही प्रावधानों के लिए, अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए और मिस पैकेजिंग या मिस लेबलिंग के लिए ऑफेंसेज मौजूद हैं। पहले में इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है और दूसरे में मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन या पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, जो कि 10 लाख। प्रदीप जी आपके पास फिर से आएंगे, चारू जी कुछ बोलना चाह रही हैं। जी बताइए। जी, जो अभी लेबलिंग की बात कर रहे थे, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि हमारे इंडिया में स्पेसिफिकली जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें इतने मिसलीडिंग लेबल्स रहते हैं जिसमें पूरे कंटेंट्स नहीं होते, जो कंटेंट्स प्रोडक्ट में प्रेजेंट भी होते हैं उसमें उनकी वैल्यू नहीं लिखी जाती। तो अगर किसी को किसी चीज से कोई एलर्जी है या अगर कोई डिजीज बॉडी है, कोई किसी क्लिनिकल कंडीशन से कोई सफर कर रहा है, तो वो उस चीज के बारे में पता नहीं लगा सकते कि कितने हद तक उन्हें कौन सा प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहिए। प्रदीप जी आपसे फिर वापस आना चाहेंगे। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये ऑफेंस बनता है, दोनों तरीके से बन सकता है। एक चीज और है, बैन राज्यों के स्तर पर अभी लगाया गया है, अगर मान लीजिए गोवा में बैन नहीं है, गोवा जो बैन ये किया गया है बेचने पे, मैगी को बेचने पे प्रतिबंध लगाया गया है, खाने पे प्रतिबंध नहीं है, मेरे ख्याल से जो स्थिति अभी यही है। यदि हम दिल्ली में बैन है 15 दिन के लिए, लेकिन अगर हम
दिल्ली में हालांकि जो रिटेल स्टोर है वहां पे मैगी अभी भी अवेलेबल है, बेची जा रही है, उस पर वो दूसरा मुद्दा है, लेकिन यदि हम खाते हैं तो क्या इसमें भी मतलब कानून का उल्लंघन या यहां भी कुछ परेशानी हो सकती है? नहीं, खाने में कानून का उल्लंघन नहीं, अगर आपके पास पड़ी है तो आप खुद जिम्मेदार हैं उस चीज के। अगर आप जानते हुए इस कॉन्ट्रोवर्सी को पहचानते हुए लेड की मात्रा होने के बावजूद अगर आप उसको खाते हैं तो उसमें खासतौर से फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स एक्ट का उल्लंघन ना होते हुए आप अपनी बॉडी को क्षति पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आप किसी और को या किसी और व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लेकिन जहां तक बेचने का सवाल है, जहां तक प्रोडक्शन का सवाल है, वो खास तौर से स्पेसिफिकली बंद कर दी गई है, वो चीज नहीं हो सकती। वीके मुंगा साहब से मेरा सवाल होगा, जिस तरह से हम ये पूरा मामला देख रहे हैं, क्या हमने कहा कि जो सेलिब्रिटीज इसका एडवर्टीजमेंट करती हैं उन पर केस दर्ज हुआ है, लेकिन वो अधिकारी जिन्होंने परमिशन दी मैगी को बाजार में उतारने की, क्या वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती? जहां तक सेलिब्रिटीज की बात है, मैं तो समझता हूँ सब बेकार की बातें हैं। जी जी, क्योंकि यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि हर सेलिब्रिटी उसके हर प्रोडक्ट के बारे में पूरा पहले ज्ञान करे, रिसर्च करे, और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में कहा भी नहीं था। लेकिन मोंगा साहब, जब बात आती है लोगों की सेहत से जुड़ी, उनकी स्वास्थ्य से जुड़ी, तब तो कम से कम उनको इस बारे में अवेयरनेस रखनी चाहिए। 32 साल भारतवर्ष की सरकारों को लग गए ये पता करने में, और आपके समझते हैं कि सेलिब्रिटीज के पास इतना समय है या उनका सिस्टम है या उनकी अपनी कोई इंडस्ट्री लगी है पता करने के लिए? आपसे यहाँ पे नहीं होगी, हमारी और आपकी बात अलग है। सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं लोग, जनता उसको ब्लाइंडली फॉलो करती है। सेलिब्रिटी अगर कुछ आकर के कहते हैं तो उसकी जांच परख हम नहीं करते। अगर अमिताभ बच्चन मैगी खा रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे लेबोरेटरी में उसमें लेड की मात्रा है। अगर आज भी अमिताभ बच्चन आकर के, आप ऐसा होगा भी जब ऐसा नहीं है कि ये इस बैन के बाद से नेस्ले बैक हो जाएगी, मैगी बैक हो जाएगी। मैगी जब दूसरी पारी में उतरेगी यहाँ पे तो सेलिब्रिटी के सहारे ही उतरेगी और सेलिब्रिटी ही आपको आकर के कहेंगे, तो सेलिब्रिटी पे जो जिम्मेदारी मेरे ख्याल से ज्यादा होती है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन या 12 साल पहले प्रीति जिंटा ने अगर बोला था तब कभी किसी ने ये नहीं कहा था इसके अंदर कोई नेगेटिव चीजें हैं। ये चीज आप कह सकते हैं कि जब अमिताभ बच्चन ने इसको ऐड किया था उस समय मैगी के सैंपल में कुछ खराबी नहीं थी। अगर उसके एडवर्टीजमेंट करने के बाद मैगी के सैंपल में खराबी आती है तो अमिताभ बच्चन जिम्मेदार नहीं। लेकिन कोई भी सेलिब्रिटी अगर किसी भी चीज को, प्रोडक्ट को आप इंडोर्स करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो आपको इस बात की परख बिल्कुल कर लेनी चाहिए कि वो चीज जो हम कह रहे हैं, क्योंकि आप मैसेज दे रहे हैं समाज को, आप कह रहे हैं आप गोरा बनाने की क्रीम बेच रहे हैं शाहरुख खान, अब क्या गोरा हो जाता है लगाने से आदमी? अगर तो ये सारी चीजें, ये इसी तरीके की चीजें हैं। सेलिब्रिटी के ऊपर में नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। हम अगर कहते हैं जो हम मैगी खाते हैं, मुझे मैगी अच्छा लगता है, तो आप हमारे देख करके नहीं खाएंगे आप मैगी, लेकिन अमिताभ बच्चन अगर कहता है तो आप खाएंगे, तो उनके ऊपर नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। आप जिम्मेदारी है, वो कह रहे हैं कि मैं इसकी जांच, जो भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से हम अपना ओपिनियन लेंगे और बात करेंगे। लेकिन कोल्ड ड्रिंक की एड्स सारे देते हैं, पूरे विश्व भर के अंदर कोल्ड ड्रिंक की एड्स होती है। जी जी। लेकिन सबको पता है कि कोल्ड ड्रिंक सेहत के लिए खराब है, हर चीज खराब करते हैं। कोल्ड ड्रिंक तो इससे कई गुना ज्यादा नुकसानदायक है, हर घर में पीते हैं, हर बच्चा पीता है। तो यानी कि ये माना जाए कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, इन पर बैन लगना चाहिए? डेफिनेटली, ये ऐसे तो मैं कल को कहूंगा कि आप लोग अपने टीवी एड के ऊपर, टीवी उसके ऊपर कमर्शियल में मैगी की एड देते रहे तो यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल 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 उठाया जा सकता है। तो हम सभी हैं इसके लिए, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो अधिकारी लायबल होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने के लिए, क्या वो, उनकी जवाबदेही नहीं बनती, वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? देखो, अगर नेस्ले ने अपनी पूरी रिसर्च तब तक करती रही, वो तो अभी भी मानने को तैयार नहीं है। पूरे विश्व भर का कोई ऐसी छोटी सी कंपनी तो है नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर चलती है, करोड़ों करोड़ों रुपए का इसका बिजनेस है, और आई डोंट एक्सपेक्ट कि उसमें ये सब चीजें कमियां पाई जाएंगी। लेकिन अगर कहीं पर कोई इस बात का शुबा हुआ है या कोई शक हुआ है तो उसको पूरा का पूरा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। उसके बाद जो भी लीगल एक्शन है, जो भी पेनल्टीज हैं, जो भी जनता को एक बताने वाली बात है, लोगों को मानना भी पड़ेगा, लोगों को बताना भी पड़ेगा, सब चीज चलेगी उसके बाद। बिल्कुल। और इसके अलावा विपिन जोशी स्वदेशी मंच से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनकी राय जानते हैं। मेरा नाम राजीव और मैं आगरा से बोल रहा हूँ। जो ये मैगी का जो विवाद चल रहा है, कहीं ना कहीं एक साजिश भी हो सकती है, क्योंकि जो एक साथ, यानी इतने दिन से जो कि देश में मैगी का चलन था, यानी हर फास्ट फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, अचानक ही उसमें जो जांच बिठा दी गई, इतनी एजेंसियां लगा दी गई उसके पीछे। हालांकि जो नेस्ले के जो सीईओ है, उन्होंने साफ कहा है कि जो भारतीय जो उपभोक्ता है उनकी सेहत के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, और एक तरह से उन्होंने जो टेस्ट रिपोर्ट है उनको भी दरकिनार कर दिया है।
विपिन जोशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वदेशी मंच से हैं वो, उनसे उनका मैं रुख करना चाहूंगी। आप ये पूरा इस प्रकरण को किस तरह से लेते हैं? देखिए, अभी जो ये मैगी वाला प्रकरण आया है, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से जो उसका चिकित्सकीय पक्ष है, जो उसका वैज्ञानिक पक्ष है या अन्य जितने भी पक्ष हैं उनमें बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, ये जो मैगी वाला प्रकरण है इसका क्या होगा वो तो जब लेबोरेटरी से जांच रिपोर्ट आएगी वो पता आपको चल जाएगा, लेकिन जो ये फास्ट फूड का जो प्रचलन है, मैगी तो मैं कह रहा था कि जैसे पतीले से सिर्फ दो चावल अभी बाहर आए हैं, उसके अलावा चाहे जितना ये पेय पदार्थ है, उसके अलावा विदेशी जितनी भी चीजें यहाँ पर आ रही हैं, उपभोक्तावाद और बाजारवाद के इस दौर में, और जो हमारे देश की जो सेलिब्रिटी हैं, दूसरे लोग हैं, उनको सबको इकट्ठा करके इतना तामझाम झोंक दिया जाता है, हम लोग ब्लाइंड होकर के एकदम जो है, चाहे वो नूडल्स हो, चाहे वो पेय पदार्थ हो, यहाँ तक की जो औषधियां हैं, दवाइयां हैं, इनमें भी जो है बहुत ज्यादा समय समय पे बातें आते रहती हैं। मैगी दो मिनट में तैयार हो जाती है, मॉम जो है दो मिनट में तैयार करके बच्चों को स्कूल भेज देती है, खुद ऑफिस भी चली जाती है। स्वदेशी में क्या ऐसा है जो दो मिनट में, डेढ़ मिनट में, चार मिनट में ही तैयार हो जाए? बताइए, सब्स्टिट्यूट तो बताइए कुछ। नहीं देखिए, इसका सब्स्टिट्यूट है, हमारी माताएं बहनें आज से नहीं हजारों साल से बच्चों के लिए अच्छी सब्जियां रोटियां तैयार करके सारी तैयारियां टाइमिंग रहती है। मैंने कंज्यूमिंग टाइम कंज्यूम बहुत होता है उसमें, मिनट पांच मिनट में सारा भोजन तैयार कर, पांच मिनट में कहा भोजन तैयार होता है जोशी जी? नहीं, चारू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चारू जी भी कुछ बोलना चाह रही है, चारू जी बताएं। सेहत भी नहीं, सेहत भी तो देखनी है, सेहत भी तो देखनी है, सिर्फ समय का नहीं देखना है। ठीक है, सेहत पे ही, सेहत पे ही चर्चा हो रही है, लेबोरेटरी में मैगी को भेजा ही इसीलिए गया है क्योंकि मानना सेहत का था। चारू जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कुछ बोलना चाह रहे हैं जी, चारू जी बताएं। बिल्कुल, जहाँ तक सेहत की बात है, इनकी बात सही है बट पूरी तरह से सही नहीं है। जितने भी विदेशी खाने ये बता रहे हैं जो हमारे यहाँ पर अभी प्रचलित है वो पूरी तरह अनसेफ नहीं है। अनसेफ वो तब होते हैं जब जो वेंडर्स उनको बना रहे हैं, जो पैकेजिंग कंपनीज उनको देख रही हैं, अगर वो ठीक से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करें, अगर उनके मापदंड वो पूरे नहीं फॉलो करें, तब वो खाने की चीज गलत हो सकती है। हम कंपनी को नहीं कह सकते कि विदेशी फूड है तो वो खराब है सेहत जी, पर वो वेंडर्स को हमें चेक करना पड़ेगा कि वो किन कंडीशंस में बना रहे हैं। आप पेप्सी की बात अगर करते हैं तो पेप्सी अगर एक जगह, सपोज आप दिल्ली में लेते हैं, उत्तर प्रदेश में लेते हैं, हो सकता है अगर आपका टेस्ट थोड़ा सा आप चेक करें, टेस्ट में आपको फर्क मिले, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर। मॉनिटर करने वाला यहाँ कोई नहीं है, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। विपिन जोशी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनकी भी राय जान लेते हैं। जी जी विपिन जी, हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं सारी चीजों को गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन समय समय पे उपभोक्तावाद और बाजारवाद के इस युग में, चकाचौंध और विज्ञापन के इस युग में, बहुत बार हम लोग क्या है कि एकदम अंधानुकरण करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि जो बड़े बड़े सितारे इसका प्रयोग कर रहे हैं तो हम लोग भी प्रयोग करें। मेरा कहने का अभिप्राय यह है, इसके लिए जो जिम्मेवार एजेंसियां हैं, जो जिम्मेवार विभाग हैं, क्योंकि हम आप लोग तो इसके लिए विशेषज्ञ है नहीं, उन्हें चाहिए कि जो भी उत्पाद, क्योंकि आज तो वैश्वीकरण की हम लोग बात कर रहे हैं, सब हमारा उत्पाद बाहर भी जाएगा, बाहर का उत्पाद यहाँ भी आएगा, लेकिन कोई भी ऐसी चीज दो मिनट में अगर मैगी तैयार हो जाता है तो उस दो मिनट की तैयारी के चक्कर में हम स्वास्थ्य से समझौता नहीं जी, कर सकते। विपिन जी, हम कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन यहाँ पर नहीं दे पा रहे, क्योंकि महिलाओं का ये कहना है कि बहुत ही कन्वीनियंट फूड है, अगर वो घर पर मौजूद भी नहीं है तो भी वो अपने बच्चों को बोल सकती है कि बच्चा खुद से अपने आप मैगी बना लेगा और वो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाती है। तो हम एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, सबसे पहले बच्चा यदि आज सीख रहा है तो मैगी बनाना सीख रहा है। एग्जैक्टली, इसके कोई फल फूल और दुग्ध आदि इसका विकल्प है अगर, क्योंकि शरीर खराब होने से तो अच्छा बच्चा फल खा करके, दूध खा करके, और दूसरा 10 मिनट लग जाए, चलिए 2 मिनट में तैयार ना हो, 10 मिनट में तो बच्चे के लिए नाश्ता बन सकता है अगर रात। जोशी जी, क्या आपको लगता है कि ये जो जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हुई है, जोशी जी जिस तरीके से आपको लगता है कंट्रोवर्सी हुई है मैगी को लेकर के, बैन लगाया जा रहा है मैगी पे, स्वदेशी के लिए खुला मंच है, अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं स्वदेशी वाले? नहीं नहीं, मैं ये नहीं मानता। मेरा मानना ये है, ये एक अभी शुरुआत है, आगाज है, अगर ढंग से
सारी जो ये इस टाइप की उत्पाद हैं, चाहे नूडल्स हो, चाहे पेय पदार्थ हो, चाहे दवाइयां हो, अन्य चीजों की ढंग से जांच की जाए तो बड़ी अनियमितता आएंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ग्लैमर चका, देखिए मार्केट में आने से पहले उसको जांच पहले की जाती है, बड़ा खेल जांच की जाती है। जोशी जी हमारे साथ कॉर्पोरेट लॉयर, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा, क्या छिंद्रा साहब आपको क्या लगता है कि जो प्रोडक्ट नया पहले लॉन्च किया जाता है मार्केट में तो वो तो पूरी एक प्रक्रिया से होकर के गुजरती है, मार्केट में आने से पहले प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है? जी बिल्कुल, होता क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट चाहे वो डोमेस्टिक कंपनी हो या इंटरनेशनल कंपनी हो, दोनों को ही FSSAI एक्ट के तहत एक रजिस्ट्रेशन या एक लाइसेंस चाहिए होता है। उस लाइसेंस की प्रक्रिया में वो सैंपल सबमिट करते हैं, वो सैंपल अप्रूव किए जाते हैं, उसके बाद एक लाइसेंस दिया जाता है। इसके बाद दूसरा चेक जो है पूरे प्रोसेस में वो यहाँ आता है कि जब प्रोडक्ट मार्केट में है तो FSSAI एक्ट के तहत जो ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं वो ऑफिसर कहीं भी किसी भी लैब किसी भी शॉप में जाकर सैंपल्स उठा सकते हैं और एक एक्रेडिटेड लैब को दे सकते हैं उसका टेस्ट करने के लिए। ऑफिसर का मौगा साहब क्लियर कर पाएंगे क्योंकि MCD में भी रहे हैं, क्या मौगा साहब क्या लगता है इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कुछ खामी हुई है? जो लाइसेंस देने की प्रक्रिया तक तो ठीक है, सैंपलिंग हुई, वहां अच्छी सैंपलिंग हुई, लेकिन अभी जो मामला आ रहा है वो बीच में कोई प्रोडक्ट कोई एक बैच ऐसा आया जिसके कारण से ये पूरा मामला हम लोगों के सामने आया है। ये लॉ 2006 में बना था जी, और उससे आज तक एक तो इस डिपार्टमेंट के अंदर जो इंस्पेक्टर्स और जो ऑफिसर्स होने चाहिए उनकी बहुत ज्यादा कमी है। बिल्कुल, ऑन पेपर तो ये बहुत बढ़िया संस्था है, बहुत बढ़िया एक्ट बना हुआ है बिल्कुल, जिसमें कि लाइसेंसिंग और उसके बाद प्रोडक्ट्स की जो सेल है उनकी गुणवत्ता A to Z यानी कि बनने से लेकर बिकने तक बिल्कुल उसकी पूरी की पूरी जांच का एक सिस्टम है, पूरा चेन है बिल्कुल। लेकिन मैंने पिछले जितने सालों में देखा है कि कोई बहुत बढ़िया इसके अंदर काम करने वाले लोग या बहुत कोई जवाबदेही लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कह सकते हो करप्शन यहाँ भी है, कुछ भी कह लो इसको, करप्शन कह लो या मैं कहता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं है और उसके बाद उनकी जवाबदेही नहीं है कि आपने जवाबदेही कितना सैंपल किए। हर बात पे उन्होंने ये कहना कि मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मेरे पास आदमी नहीं था, मेरे पास इंस्पेक्टर नहीं था, मेरे पास सुविधाएं नहीं थे, मैं लैब में भेज नहीं पाया, ऑल दीज थिंग्स हैव बीन हैपनिंग। लेकिन हाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ इतने 10 सालों के अंदर इन्होंने किया तो होगा, लेकिन नेगेटिव नहीं पाया गया इसलिए आज तक शोर नहीं मचा। लेकिन इस बार हो सकता है एक ओवर अलर्ट एक इंस्पेक्टर ने जो झारखंड से वो सैंपल लिए, सैंपल भेजे, उसके बाद उसने उसको परस्यू किया, सबसे बड़ी बात है परस्यू किया, और हो सकता है उसके ऊपर भी बड़े प्रेशर पड़े उसको ये मत करो या वो मत करो, लेकिन एक अगर ऑनेस्ट इंस्पेक्टर ने इसको यहाँ तक लेकर आया तो डेफिनेटली ऐसे इंस्पेक्टर्स की हमें जरूरत है और इस एक्ट के अंतर्गत बहुत अच्छे प्रावधान, लेकिन प्रावधान को कहां तक लेके जा सकते हैं बहुत बड़ा। एक चीज यहाँ पे और भी है कि हम किसको सही माने किसको गलत माने, अब एक जो कह रहा है जो सही है सैंपल जो बैन कर रही है जो राज्य सरकारें बैन कर रही हैं हम उनकी बात माने क्योंकि वो भी उनके जो सैंपल है वो भी कोलकाता में टेस्ट हुए हैं, कोलकाता में जो मुख्यमंत्री बैठी हुई है वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी उनका अभी अभी बयान आया है, उनका कहना है कि नहीं मैगी में कुछ भी वैसा आपत्तिजनक नहीं पाया गया और वो अपने यहाँ बैन नहीं करेगी। जनता तो पूरे देश की कंफ्यूज हो गई, अब गोवा में भी नहीं लगाया है बैन, वहां भी सैंपल सही पाया गया, महाराष्ट्र में नहीं लगा, अभी झारखंड में भी नहीं लगा, और अभी जो मौका साहब आप कह रहे थे झारखंड के जो इंस्पेक्टर वो इनफैक्ट बाराबंकी उत्तर प्रदेश के वो इंस्पेक्टर थे जहां से ये पूरा मामला जो है निकल करके आया है और उसके बाद से पूरे देश में सैंपल मंगाए जा रहे हैं और जांच की जा रही है वहां पे। एक बिल्कुल स्टेट सब्जेक्ट है पहली बात बिल्कुल के चले, लेकिन ये जो एक्ट है ये सेंट्रल एक्ट है, पूरे देश के अंदर लागू है। अब इस केस में क्या होता है कि अभी इट इज टू अर्ली, 5-7-10 दिन की अभी हुआ है, अगले 15-20 दिन में जैसे जैसे पूरी रिपोर्ट्स आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी यही कहा है कि जैसे हमारे पास पूरे देश से और रिपोर्ट्स आएंगी उसके हिसाब से हम एक्शन लेंगे, और अगर ये सब जगह से रिपोर्ट इतनी नेगेटिव आ रही हैं और आती रहेंगी तो डेफिनेटली सेंटर विल हैव टू कम इन और उनको बताना पड़ेगा सभी स्टेट्स को कि इसको बंद किया जाए जब तक कि हम इसके बारे में और ज्यादा विश्लेषण और ज्यादा जांच नहीं कर पा रहे, और जो भी इसका लीगल रिकॉर्ड है प्रदीप जी ने जैसे बताया कि लेबलिंग के बारे में या उनकी गुणवत्ता के बारे में उनके इंस्पेक्टर्स के ऊपर या जो भी उनके चार्जेस लगने हैं वो चार्जेस फ्रेम करके दे शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। एक सवाल ये भी यहाँ पे बनता है मोगा साहब, दोनों साथ प्रदीप जी से भी मैं पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से नेस्ले एक बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, और हमारा देश जो अभी इन्वेस्टमेंट के लिए अपने आप माहौल बनाया जा रहा है अपने देश में कि इन्वेस्टमेंट आए, बाहर की कंपनियां आए और इन्वेस्टमेंट करें, हमारे यहाँ रोजगार पैदा हो और बाकी चीजें हो यहाँ पे, क्या इस तरीके की जो इश्यूज आ रहे हैं सामने क्या इसमें भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें रुकावट आएगी या नेगेटिव मैसेज जाएगा कि भारत में व्यापार करना जो है अभी उतना
सही नहीं है, वहां पे जो इस तरीके के मामले कभी भी उठाए जा सकते हैं। ये लाजमी है, लेकिन आप देखिए सिंगापुर के अंदर लोगों ने भी अपनी जांच करनी शुरू कर दी, ब्रिटेन के अंदर भी कर रहे हैं, यूरोप के अंदर भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात भी दिक्कत लगेगी, सिंगापुर का मामला आपने कहा, सिंगापुर में जो मैगी बैन किया गया है वो मैगी है जो भारत में बन रही, जो मोगा में पंजाब में जो मैगी तैयार किया जा रहा है, पैक की जा रही है, उस भारत से आने वाले मैगी को। आज जो सीईओ जो है नेस्ले के, उन्होंने जो साफ किया है, उन्होंने कहा कि उनके यहाँ जो मैगी जो तैयार होती है इंटरनेशनल लेवल पे जो तैयार है, वो भारत के लिए अलग से कोई उनके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है जो भारत में इस ब्रांड का भेजा जाएगा या इस कैटेगरी का भेजा जाएगा, वो पूरे वर्ल्ड में जो है सेम कैटेगरी के मैगी जो है भेजे जा रहे हैं उनकी तरफ से। तो वहीं नेस्ले इंडिया की मैगी पर चल रहे बवाल पर ग्राहकों और दुकानदारों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। एक है मैगी नहीं है, इधर के बड़ा बड़ा कंपनी का सारा का माल है, चेक करो सारा खराब है। पहले हम लोग मैगी बेचा करते थे, काफी मात्रा में बिकती थी, लेकिन जब से हमने सुनने में आया कि इसमें लेड की मात्रा ज्यादा होती है, इस नुकसानदायक है, जब से हमने बेचनी बंद कर दी है, और जो कंपनी की सप्लाई थी वो भी हमने लेनी बंद कर दी है। सेल तो भैया मैगी की खत्म ही हो गई है, जो हमारे पास स्टॉक पड़ा था हमने वापस कंपनी को दे दिया है, अब उसकी जगह इप्पी मैगी बिक रही है आईटीसी की, वही बिक रही है बस। हमने सुना कि मैगी खाने के लिए हानिकारक है, और जैसे गवर्नमेंट ने बैन लगाया तो हम लोगों ने बेचना बंद कर दी। अंतर इतना आ गया है कि जब से न्यूज में देखा है तब से बच्चों के लिए मैगी बंद कर दी है, और मैगी के बारे में जितना बताया गया देखा हमने कि बच्चों के नुकसानदायक है, और दुनिया भर के केमिकल मिला के बना के दे रहे हैं, इस वजह से मैगी बंद कर दी है, और इसलिए हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट इसको ध्यान दे और बाकी चीज़ों को भी देखे। जब से प्रतिबंध लगाए जब से मैगी बनाना बंद कर दिया है, अब हम घर में लाते नहीं हैं। पहले जब बच्चे स्कूल जाते थे तो जल्दी जल्दी बनाने के खाना बनाने में तो टाइम लग जाता है, इसलिए उसको जल्दी जल्दी लिया बना दिया। अब जब से ये पता चला है कि इसमें केमिकल है या कोई शरीर के लिए बहुत हानिकारक इसमें चीज मिली हुई आ रही है, जब से हमने मैगी बनाना बंद कर दिया। बस पहले तो हम किचन में आराम से दो मिनट में बना लेते थे मैगी, अब जब से सुना है न्यूज में जो आया है उसकी वजह से हम बना ही नहीं रहे। मुकेश जी आपने देखा कि किस तरह से लोगों में अब एक डर है, एक चिंता है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक वाक्या शुरू होता है कि मैगी में हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स है, ये किस ओर इशारा करता है, हमारे सिस्टम के बारे में ये क्या कहता है, कि क्या अभी तक किसी को पता नहीं चला था? श्रेया मुझे लगता है कि इसको उस लेवल से या उस एंगल से देखना नहीं चाहिए हम लोगों को जी। ये चीज पहले भी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं एक बैच में, क्योंकि बाराबंकी में जो मामला आया था और उसके बाद जो कंपनी की सफाई प्राइमरी तौर पे जो दी गई थी वो ये कहा गया था कि नवंबर 2014 के पहले के जो सैंपल आए थे उस सैंपल में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, और उसके बाद के जो सैंपल यानी नवंबर 2014 के बाद जो बैच के जो मैगी है उस मैगी में किसी भी तरह की कोई इस तरीके के लेड या जो एमएसजी का मामला है उसमें नहीं पाया गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है अभी तक श्रेया कि ये मामला कहीं ना कहीं जो हमारे यहां जो पैकिंग जो मोगा में से जो पैकिंग करके जो निकली है जो बैच एक निकला है उस एक बैच में हो सकता है खराबी हो, या दूसरे या इससे पहले भी हो सकता है नवंबर के पहले वाले बैच में जो इंग्रेडिएंट्स जो है वो ज्यादा कम हो रहे होंगे और वो जहां जहां अभी उपलब्ध होंगे उन सैंपलों में ये गड़बड़ियां पाई जा रही होंगी। तो यहां क्या कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो क्रॉस चेक करे? बिल्कुल, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्योंकि कंपनी ने तो एक अपना लाइसेंस ले लिया यहां बेचने का, वो अपना सैंपल उतारे, लेकिन टाइम टू टाइम उसको चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारी एजेंसी की है और हमारी एजेंसी जो है सरकार की, उनको चेक करना चाहिए कि बाजार में अभी जो सैंपल है केवल मैगी ही नहीं, मैगी के साथ और भी बहुत सारे, जैसे अभी एक बता रहे थे कि आईटीसी की मैगी अब ज्यादा बिकने लगी है नेस्ले के बाद, तो वो आईटीसी की मैगी में लेड है या नहीं है इस बात की जांच कौन, हो सकता है कल उसमें भी लेड निकले तो फिर उसके बाद से उसे भी बैन किया जाए, इसलिए ये तो सरकार की एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टाइम टू टाइम वो उन सारी चीजों की जांच की जाए जो पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ है। अब समय बहुत कम रह गया, मैं चाहूंगी अपने सभी मेहमानों से कि वो 30-30 सेकंड में अपने अपने कमेंट्स दे दें। शुरुआत में करूंगी चारू खन्ना जी से। तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो पब्लिक एजुकेशन, एक मिसलीडिंग लेबलिंग जो बंद होनी चाहिए, और तीसरा टाइमली चेक, और इनकी एक कंट्रोल बॉडीज जो कि हम टाइम टू टाइम मॉनिटर करके रिस्पेक्टिव कंपनीज को बता सके कि क्या प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं। जी मोंगा जी, देश के जो सिस्टम है इसको पूरी तरह से लगता है कहीं ना कहीं आइलिंग करने की जरूरत है, और इतने सालों बाद इतनी चीज पता लग रही है, ये बहुत दुखद बात है और बड़ी एक विडंबना भी है कि हम आज 32 साल के बाद कहना शुरू हो रहे हैं। तो FSSAI जो जिस उद्देश्य को लेकर बनाया गया था, जो उसका मकसद था, उसको पूरा करने के लिए
गवर्नमेंट को इस सिस्टम को ज्यादा स्ट्रांग करना चाहिए, इसको डेवलप करना चाहिए और आधुनिक बनाना चाहिए, क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि हमारा जो यहाँ का सिस्टम इतना डेवलप नहीं है, हमें बाहर से टेस्ट करा के लाना पड़ेगा। वो जो जो चीजें हैं लेड जैसी चीज का, तो मुझे लगता है कि दो तीन दिन के अंदर। बहुत संक्षेप में प्रदीप जी, अब आपका। देखिए, दोनों ही मुद्दे डिटेल में कवर हो चुके हैं, बट जहां तक नॉन फंक्शनिंग ऑफ द एजेंसी की बात है, तो कुछ हद तक नई एक नया एक्ट है 2006 जो पूरी तरह ऑपरेशनल 2011 तक में एजेंसीज में लोग जो हैं डिप्यूट हुए हैं, उसको थोड़ा और प्रोएक्टिव काम करने में, थोड़ा और सही मायने में उसको स्ट्रीमलाइन करने में थोड़ा वक्त लगेगा। बट एक एग्जांपल है जो हमारे सामने आया है, इसको हम दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं कि कम से कम अब तो डिस्कवर हुआ जो इतने वक्त से नहीं डिस्कवर हुआ था। तो आई थिंक हाँ, थोड़ा और प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। विपिन जी, आपका। मैं ये कहना चाहूंगा, इसमें दो मिनट के चक्कर में नहीं जाइए, चाहे 20 मिनट लगे, दो घंटे लगे, स्वास्थ्य पहले है, माता बहनों को जागरूक होने की जरूरत है और सिस्टम को और लचर बनाने की जरूरत है और प्रगतिशील बनाने की जरूरत है। और इस प्रकार की घटनाएं इतने लंबे समय में हम लोग पकड़ पाए, ये नहीं होना चाहिए। लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए और तभी ये काम जो है सही ढंग से हो सकता है। जी, इसी के साथ मैं शुक्रिया करना चाहूंगी आप सभी मेहमानों का, प्रदीप छिंद्रा जी, डॉक्टर वी के मोंगा, चारू खन्ना, के अग्रवाल और विपिन जोशी, आपने अपना समय हमें दिया। और इसी के साथ हम शुक्रिया करना चाहेंगे अपने रेसिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी का। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार खामी किधर है हमारे सिस्टम में? जो जवाबदेही तय करने वाले हैं वो कौन है, कौन जवाबदेही तय करेगा, और एक रेगुलेशन की अगर बात की जाए तो उसको सुनिश्चित करने के लिए कौन आगे आएगा? इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम वंदे मातरम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप दीजिए मुझे इजाजत और इसी के साथ मैं आपको छोड़े जाती हूं पब्लिक पंच के साथ। अच्छे दिन के नारे पर एक पत्रकार ने मोदी से सवाल पूछा, मोदी जी अच्छे दिन आ गए हैं क्या? सवाल करने वाले पत्रकार को मोदी ने देखा और मुस्कुराकर जवाब दिया, फेयर एंड लवली लगाने वाले गोरे हो गए क्या? एक बार शराब के नशे में धुत एक नेता डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर से बोला, क्या आप मेरी शराब छुड़वा सकते हो? डॉक्टर ने नशेड़ी नेता को ऊपर से नीचे देखा और कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर के कहने पर नेता ने राहत की सांस ली और डॉक्टर से गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज मेरी शराब छुड़वा दो ना, पुलिस ने मेरी 20 बोतलें पकड़ी है। बम विस्फोट में घायल हुए एक नेता के पास कुछ पत्रकार पहुंचे। दर्द से बेहाल नेता से एक पत्रकार ने सवाल किया, जब बम गिरा तो क्या वो बहुत जोर से गिरा? नेता ने गुस्से में पत्रकार को घूरा और कहा, नहीं नहीं, वो रेंगता हुआ मेरे पास आया और शर्माते हुए बोला, ढुम।